स्वामी श्री बलदेव दास जी, वृंदावन जगत का नियम है, पहले साधन पीछे सिद्धि, पहले कुआं खोदना फिर पानी पीना। पर परमार्थ जगत में कभी कभी इसका उल्टा होता है, पहले सिद्धि होती है पीछे साधना होती है। भगवान के नित्य सिद्ध या कृपा सिद्ध भक्तों के जीवन में ऐसा ही होता है। उनके नित्य सिद्ध परिकरों को सिद्धि के लिए साधना नहीं करनी होती, सिद्धि तो उन्हें अनादिकाल से ही प्राप्त रहती है। वे जगत में आविर्भूत होते हैं भगवत इच्छा से जगत के जीवों के लिए साधना का आदर्श उपस्थित करने। कृपा सिद्ध जीवों को भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती, उन पर बिना साधना के ही भगवत कृपा बरस पड़ती है। सच तो यह है कि भगवत कृपा साधन सापेक्ष है ही नहीं, भगवान परम स्वतंत्र है, जिस पर इच्छा होती कृपा करते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति पर भी अनायास कृपा कर देते हैं जिसने कोई साधन भजन किया ही नहीं, पर जब उसके ऊपर कृपा हो जाती है तब वह साधन भजन के सिवा और कुछ करता भी नहीं। उस पर पहले कृपा होती है पीछे उसका भजन होता है। स्वामी बलदेव दास के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उन्हें बाल्यावस्था में ही पहले भगवत प्राप्ति हुई, फिर अबाध गति से वह चली उनकी भजन साधना में पावन जीवन की निर्मल धारा बन की। ब्रज के किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर वे 8 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात वीतरागो घर से निकल पड़े। जब द्वारिका जाने वाले साधुओं की मंडली के साथ हो लिए, द्वारिका में जब रणछोड़ जी के मंदिर में गए तो रणछोड़ जी का भोग लग रहा था। मंदिर के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और पुजारी जगमोहन में इधर उधर डोल रहा था। उस समय बलदेव दास जी को एकाएक न जाने कैसा आवेश हुआ, वे पुजारी की पीठ मुड़ते ही पर्दा उठा के मंदिर के भीतर घुस गए। वहाँ उन्होंने रणछोड़ जी के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि मूर्ति रूप में तो वह सिंहासन पर विराजमान है और प्रत्यक्ष रूप में नीचे बैठकर भोग अरोग रहे हैं। वे तन्मय हो उनका रूप निहारते रहे। थोड़ी देर में जब भोग अरोगने वाले स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए, वे भी चुपके से बाहर निकल आए। उन्हें ना मंदिर के भीतर जाते किसी ने देखा, न बाहर आते देखा, इसलिए किसी के द्वारा रोक टोक या डांट फटकार भी नहीं की गई। जिसे रणछोड़ जी स्वयं भीतर बुला के दर्शन देना चाहते हों और जिसका मार्ग उनकी शक्ति योग माया अपने आप प्रशस्त कर दे, उसे किसी के द्वारा रोका जाना संभव ही कब है। उसी रात में रणछोड़ जी ने बलदेव दास जी को स्वप्न में आज्ञा दी कि दिल्ली के निकट लुक्सर ग्राम में ठाकुरदास मेरा परम भक्त रहता है, उनसे जाकर दीक्षा लो। वह जिस रीति से उपदेश करे उस रीति से भजन करो। उधर ठाकुरदास जी को भी उन्होंने इसी प्रकार आज्ञा दे के कहा कि मेरा भक्त बलदेव दास तुम्हारे पास आ रहा है, बालक जानकर उसकी उपेक्षा न करना, उसे दीक्षा देके भजन की रीति बता देना। रणछोड़ जी ने जिसके लिए इतना किया उसका दिल्ली का मार्ग भी अपने आप प्रशस्त हो जाना था। द्वारिका में बालक बलदेव दास जी की भेंट हुई कुछ चरणदासी संतों से जो दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने प्रेम से उसे ठाकुरदास जी के पास ले चलने का आश्वासन दिया। वह उनके साथ वहाँ पहुँच गया। देखते ठाकुरदास जी ने कहा, आवश्य में तुम्हारी प्रतीक्षा में था, उसको हृदय से लगा दिया, मंत्र दीक्षा देकर भजन की रीति का उपदेश दिया। बलदेव दास जी उनके पास रह करके उनकी और उनके ठाकुर श्री युगल बिहारी जी के तनमन से सेवा करने लगे। उस अल्पावस्था में ही उन्होंने ठाकुर सेवा की सारी विधि सीख ली। युगल बिहारी जी की रसोई भी स्वयं बनाने लगे। ठाकुरदास जी एक उच्च कोटि के संत थे। उनके संबंध में घटना प्रसिद्ध है कि एक बार उनके आश्रम में एक अभ्यागत का अचानक देहांत हो गया। पुलिस ने आश्रमवासी को परेशान करना चाहा शुरू करा। उस समय ठाकुरदास जी ने मुर्दे को अपने खड़ाऊ से ठोकर मारते हुए कहा, ओठ ऐसे क्यों पड़ा है, क्या साधुओं को परेशान करने के लिए? वह झट उठ खड़ा हुआ। तभी लोग उनको एक सिद्ध संत के रूप में जानने लगे। वे मानसी सेवा में 2-2 दिन तक एक ही आसन पर बैठे रह जाते थे। उन्हें देह की बिल्कुल शुद्ध भी नहीं रहती थी। प्रसाद सेवन करते समय भी वे कभी रोदन करने लगते, कभी बहुत प्रसन्न होने लगते। बलदेव दास जी यह देखकर विस्मय में डूब जाते। जब वे उनका कारण पूछते तो टाल जाते। एक दिन उन्होंने इसका रहस्य जानने का बहुत हट किया। तब ठाकुरदास जी ने कहा, जब मैं भोजन करता हूँ तब गोपाल जी मेरे साथ बैठकर मेरे थाल में से भोजन करने लगते हैं। मैं कभी यह सोचकर रो देता हूँ कि गोपाल जी मेरा झूठा खाते हैं, कभी यह सोचकर प्रसन्न होता हूँ कि वे मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ठाकुरदास जी बलदेव दास जी को अपने इस प्रकार के अनुभवों की बातें अक्सर बताया करते हैं।
बलदेव दास जी पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उनका भक्तिभाव गुरुदेव के सानिध्य में दिन पर दिन बढ़ता गया। वे भी गुरुदेव की तरह मानसिक चिंतन में लीन रहने लगे। कुछ दिन पश्चात ठाकुरदास जी धाम पधार गए। बलदेव दास जी उनके स्थान के महंत हुए। महंताई का भार वे अधिक दिन तक न झेल सके। उसे अपने गुरु भाई ध्यानदास जी पर डाल केवल गुरुदेव की खड़ाऊ लेकर के वे भ्रमण के लिए निकल पड़े। चारों धाम की यात्रा करी। इसके पश्चात अधिकतर वृंदावन में कालियादेह पर या व्याज घेरे में संत गोविंददास जी के पास रहने लगे। उन्होंने अपने लिए कभी किसी कुटिया का निर्माण नहीं करा। उन दिनों सुख संप्रदाय के दिल्ली गुरुद्वारे के रसिक संत श्री मोहनदास जी, जिनका प्रेम पयोधी नाम का ग्रंथ है, वृंदावन के युगल घाट पर ग्वालियर वाले प्राचीन मंदिर में आकर रहा करते थे। उनका संग बलदेवदास जी अधिक से अधिक करते, उनमें अनिर्वचनीय सुख का अनुभव करते। दोनों संत प्रिया प्रीतम की रसमयी बातें करते करते भाव समाधि में डूब जाते। बलदेव दास जी नित्य प्रातः 3 बजे वृंदावन की परिक्रमा को जाया करते। एक दिन परिक्रमा में मार्ग में उन्होंने देखा कि एक बहुत जगह बड़ा भंडारा हो रहा है और बहुत से साधु बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं। उन्होंने बलदेव दास जी से भी प्रसाद पाने को कहा। बलदेव दास जी ने कहा, मैं इस समय प्रसाद नहीं पाऊंगा, तो परोसा लेते जाओ, उन्होंने आग्रह करते हुए कहा। बलदेव दास जी ने परोसा अंगूठे में बांध लिया। कुटिया पर पहुंचकर नित्य नियम से निवृत्त होकर जब अंगूठा खोला तो देखकर आश्चर्यचकित हुए कि उसमें अखाद्य भरा है। उन्होंने अंगेचे सहित इसको फेंक दिया और फिर से यमुना स्नान कर अपने को पवित्र किया। दूसरे दिन जब ये परिक्रमा को गए तो साधु रूपों में उन भूतों की मंडली से उनकी फिर भेंट हुई। वे कोतूहल रुककर उनसे बातें करने लगे। उनका, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी ऐसी गति क्यों हुई? उत्तर में उन्होंने कहा, हम वृंदावन के ही हैं, हमने ठाकुर सेवा के लिए प्राप्त धन और सामग्री का स्वयं उपयोग कर लिया, इसलिए हमें यह योनि प्राप्त हुई है। वृंदावन में रहने के कारण यमराज का हमारे ऊपर अधिकार नहीं था, वह हमको न ले जा सके, इसलिए धाम में ही रहकर हम भूतेश्वर के शासन में अपने किए का फल भोग रहे हैं। बलदेव जात जी अच्छे संगीतज्ञ थे। वे नित्य तानपुरे पर आवेश में देर तक ठाकुर जी के सामने गान करते थे, श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करते थे और 1000 दानों की तुलसी की माला पर नाम जप करते थे, जबके साथ प्रेम मंजरी के अनुगत्य में मानसिक स्मरण करते थे। व्रज की लताओं के नीचे बैठकर लीला स्मरण करना उनको बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी किसी लता के नीचे बैठकर स्मरण करते करते उनको सारा दिन भी बीत जाता था, क्षुधा तृष्णा का लोभ भी हो जाता था। एक बार वो बरसाने गए, वहाँ विलासगढ़ के निकट लताओं के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। भजन में इतना आवेश हुआ कि वे लगातार 3 दिन तक उसी स्थान पर बैठे भजन करते रहे। उनकी अयाचक वृत्ति थी, किसी से खाने के लिए कुछ मांगने का प्रश्न न था, किसी ने वहाँ जाकर कुछ दे आने का भी प्रश्न नहीं था, क्योंकि उनका किसी को पता ही नहीं था। उस समय राधा रानी ने पुजारी से स्वप्न में कहा कि मेरा अनन्य भक्त बलदेव दास विलासगढ़ के निकट 3 दिन से भूखा पड़ा है, उसे मेरा प्रसाद पहुंचा दो। पुजारी ने तुरंत श्री जी की आज्ञा का पालन किया। बलदेव दास जी ने प्रेमासुर विसर्जन करते हुए श्री जी का प्रसाद प्रेम से ग्रहण किया। फिर प्रतिष्ठा के भय से तुरंत उच्च स्थान को छोड़कर वे गहरवर वन चले गए और वहाँ एकांत में रो रो कर श्री जी से कहने लगे, हाय करुणामयी, तुम इस अदम पर इतनी कृपा करती हो, फिर अदृश्य रहकर विरह की वेदना क्यों देती हो? परोक्ष में कृपा कर उत्कंठा का वर्धन करती हो, प्रत्यक्ष में दूर रहकर प्राणों का मर्दन करती हो। कब तक इस प्यास को बढ़ा के बिना बुझाए तड़पाती रहोगी स्वामिनी? इस प्रकार मन ही मन जब वे आक्षेप कर रहे थे, उन्होंने राधा रानी को देखा सखियों सहित वन विहार में फूल चयन करते और उनकी ओर प्यार से दृष्टि फेर कर कहते, मैं दूर कब हूँ तुझसे पगली? तभी से उनकी स्वरूप सिद्धि हो गई और वह सिद्ध देह से मंजरी रूप में राधा कृष्ण की अष्टकालीन सेवा में तल्लीन रहने लगे। बाहरी सेवा पूजा उन्हें कुछ भार स्वरूप लगने लगी। वे किसी योग्य शिष्य की कामना करने लगे जिसे अपने ठाकुर और गुरुदेव की पादुका सौंप सके। उसी समय उन्हें श्री जी की प्रेरणा हुई अलवर के पास बहादुरपुर जाने की, जहाँ चरणदासी संत श्री दंडोटी राम जी का स्नान और बिहारी जी का मंदिर है। वहाँ शिवदयाल जी नामक एक नवकिशोर अपने ननिहाल में रह के विद्याधन करते थे। उनकी बिहारी जी के मंदिर में बलदेव दास जी से भेंट हुई। बलदेव दास जी जान गए कि उनके द्वारा भविष्य में चरणदासी संप्रदाय का विशेष उत्कृष्ट होगा, इसलिए उन्हें शिष्य बनाकर उन्हीं को अपने ठाकुर और गुरुदेव की पादुका सौंप कर वे निश्चिंत हुए। वहीं सरस माधुरी शरण जी के नाम से चरणदासी संप्रदाय में एक प्रसिद्ध संत हो गए हैं।
गुरुदेव की पादुका और अपने सेवित विग्रह को सरस माधुरी जी को सौंप देने के पश्चात अब उनके पास अपने शरीर के सिवा और कुछ भी न रहा था। सरस माधुरी सरणी जी को अपनी इस अलौकिक संपत्ति को सौंप देना इस बात का संकेत था कि वे शरीर को भी वसुंधरा को सौंप कर अपनी लीला संवरण करने जा रहे हैं। तदनुसार संवत 1958 आषाढ़ सुदी नवमी को उन्होंने अपनी लौकिक लीला संवरण करके राधा कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश किया। श्री स्वामी बलदेव दास जी की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। भगवान की भक्त वत्सलता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।